घर बैठे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लें पढ़ाई में मदद। इस वीडियो में आपको कुछ ऐप्स और वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी और ये पूरी तरह फ्री हैं। स्कूल की पढ़ाई के लिए इसमें हम कवर करेंगे दीक्षा ऐप, ई पाठशाला और NCERT। बात करते हैं दीक्षा की। इस प्लेटफॉर्म पे CBSE, NCERT समेत सभी स्टेट बोर्ड की क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक की 80,000 से ज़्यादा ई बुक्स अवेलेबल हैं और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। गूगल प्ले स्टोर में ये आपको ऐप मिल जाएगा और अगर वेबसाइट की बात करें तो diksha.gov.in, जिसका नाम चेंज करके शगुन हो गया है। तो चलिए मैं सिखाता हूँ कि इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ सर्च बार में आप लिखेंगे diksha.gov.in, उसके बाद एक्सप्लोर कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ऐसी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लासेस शो करेगा और यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ये आप चेंज कर सकते हैं और आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं आप उस पर क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। बात करते हैं दूसरी वेबसाइट के बारे में, ई पाठशाला। इस प्लेटफॉर्म पर NCERT की ओर से क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक की अराउंड 2000 वीडियोस ऑडियोस अवेलेबल हैं और 700 के करीब ई बुक्स अवेलेबल हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वेबसाइट इसकी है epaathshala.gov.in। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है इसे। ई पाठशाला के लिए आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, सर्च बार में आपको लिखना है epaathshala.nic.in, एंटर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट पे आप इस वाले टैब पे जाएंगे ई पाठशाला स्टूडेंट्स के अंदर और फिर यहाँ पे ई टेक्स्ट बुक पे आप सब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ई टेक्स्ट बुक के अंदर आएंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे क्लास 5th की बुक चाहिए, 5th की हिंदी की बुक चाहिए और मैंने यहाँ कर दिया गो। मुझे कौन सा चैप्टर चाहिए, मुझे चाहिए चैप्टर 1st। थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने का, उसके बाद ये आपकी बुक, ये चैप्टर आपका आ गया। इस वेबसाइट में टीचर्स के लिए भी बहुत कुछ दे रखा है, उनके लिए भी ई टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शन है, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत कुछ है इसमें। चलिए बात करते हैं दूसरी वेबसाइट के बारे में, ऑल टाइम फेवरेट NCERT। इसकी वेबसाइट कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। करते हैं NCERT वेबसाइट की, तो आपको अपने ब्राउज़र में सर्च बार में लिखना है NCERT.NIC.in, एंटर की दबानी है। उसके बाद आप जाएंगे पब्लिकेशन के अंदर, ई बुक्स के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा PDF क्लास 1 to 12, यहाँ पे आप क्लिक करिए, एक नया पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे आपको जिस क्लास की बुक की PDF चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं गया क्लास 9th पे, मैंने सब्जेक्ट ले लिया मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स, उसके बाद मैंने कर दिया गो। इसमें चैप्टर कौन सा चाहिए, मुझे चैप्टर चाहिए 1, मैंने इसे ओपन किया। PDF डाउनलोड होके आ गई। इस PDF को आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन से सेव भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। बात करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, सबसे पहले वेबसाइट है स्वयं प्रभा, नरोर, एग्जाम फेयर और लर्न सीबीएसई। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं प्रभा की। इस प्लेटफॉर्म पे 32 DTS चैनल्स हैं जिसका प्रसारण 24 घंटे सातों दिन होता है। ओपन करेंगे सर्च बार में आप लिखेंगे swamprabha.gov.in, जैसे आप एंटर करेंगे इस वेबसाइट में, जैसे आप एंटर करेंगे नीचे की तरफ देखेंगे लाइव प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। यहाँ पे चैनल की लिस्ट है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो आप यहाँ से जाके ड्रैग करके देख सकते हैं। बात करते हैं नरोर की, इस प्लेटफॉर्म पर आपको डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे इसको यूज़ करना है। आप अपने सर्च इंजन पे लिखेंगे naror.gov.in, यहीं पे आपको दिख जाएगा ई लाइब्रेरी, ई बुक्स। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे, जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको
यहाँ पे आप आएंगे लाइब्रेरी में, तो आपको यहाँ पे ऑडियो वीडियो इमेजेस सब का ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे, तो आपको जो चाहिए आप वो वहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फेयर की। ये 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस को प्रोवाइड करता है। इसमें आप वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी के नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और NCERT के सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। इस वेबसाइट का नाम है examfear.com। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यूज़ कैसे करना है इसे। जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पे वॉच वीडियोस के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं उन्होंने। फॉर एग्जांपल जैसे आप नीचे की तरफ हैं, यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 मैथ, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री में से बायोमोलिक्यूल्स पे, यहाँ मैंने क्लिक किया। इसमें से आप जो भी ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे उसका एक वीडियो प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ट्वेंटी एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक उसका एक वीडियो जो है रन करेगा। और आपको ये सिखाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लर्न CBSE के बारे में। ये वेबसाइट उन बच्चों के लिए जो थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसे यूज़ करना है। जैसे आप इस वेबसाइट में आएंगे, यहाँ पे आपको NCERT के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। RD शर्मा की बुक्स हैं यहाँ पे, लक्ष्मीर सिंह की बुक्स हैं यहाँ पे, क्लास 10th 9th। NCERT के सॉल्यूशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सी क्लास का सोल्यूशन चाहिए भाई आपको।